हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने बैटरी का हेल्थ कैसे चेक कर सकते हो। तो चेक करना बहुत ही सिंपल है, आपके पास ऐसा एक मल्टीमीटर होना चाहिए सिंपली, एंड आपको अपने बैटरी के निगेटिव पॉजिटिव पे इसको कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर सेट कर देना है आपको 20 वोल्ट वगैरह पे। तो आपको दिख जाएगा आपकी बैटरी अगर फुल चार्ज, अभी जस्ट चार्ज मतलब चार्ज हुई होगी अगर लाइट से, तो तुरंत तो आप इसको हटा दीजिएगा इन्वर्टर को, मतलब चार्ज ना करें इसको, चार्जिंग से हटाएंगे तो ये आपको 13 वोल्ट कुछ दिखा सकता है, जितना भी दिखाए पर मतलब ये 12 वोल्ट से ऊपर ही दिखाएगा। तो चेक करने का सही तरीका अभी ये है कि आप क्या करो, ये मीटर लगाने के बाद जब ये जितना भी रीडिंग दे उसके बाद इस पर क्या करते हैं, इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। जैसे ही आप इन्वर्टर ऑन करोगे और इस पे एक लोड दे दो, आप कोई भी छोटा बल्ब 100 वाट का चाहे कुछ भी लोड दे दो, एक फ़ैन का लोड दे दो, तो फ़ैन वैन का लोड देने के बाद क्या होगा कि ये देखिए मीटर धीरे धीरे घटने लगेगा, ये रीडिंग घटते घटते एक जगह एक पॉइंट पे रुक जाएगी। तो अभी देखो ये मैं देखता हूँ कहाँ जाके इस पॉइंट पर रुकते, तो हम तब तक वेट करते हैं। और मेरा एक लाइट जल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये वाला लाइट मैंने इसे इन्वर्टर के लोड पर दे रखा है, तो अभी ये चल रहा है, मैं जला देता हूँ। और अगर ये 12.53 पे रुकता है तो सही है, चलिए ये यहाँ पे रुक गया है। इसी में ये एक ज़्यादा हो जाएगा या तो फिर एक कम हो जाएगा, ऐसा ही होता रहेगा, तो ये इतने पे ही जाके रुक गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये बैटरी हेल्थ सही है। अगर बैटरी हेल्थ 12 वोल्ट से नीचे चली जाती है, अगर 11 वोल्ट हो जाता है तब आपकी बैटरी डिस्टर्ब है, और ये 12.50 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब एक और चीज़ होगा, जैसे ही आप इस पे इन्वर्टर से लोड हटाओगे, मैं वो कर देता हूँ, तो जैसे ही आप इन्वर्टर पे से लोड हटाओगे, मतलब इन्वर्टर मैंने बंद किया, जैसे ही स्विच ऑफ किया, अभी देखिए एक और कमाल की चीज़ होगी, तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है, ये रिकवर करने लगा अपने आप को, मतलब ये जितना पहले था ये उतना तक पहुंच जाएगा और ये जाके 13 वोल्ट तक हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी की हेल्थ सही है। अगर ऐसा नहीं होता है, वो रिकवर नहीं करता है, तो बैटरी की हेल्थ धीरे धीरे जा रही है। अगर वो धड़ल्ले से गिर जाता है तब तो आपकी बैटरी पूरी तरह से ख़राब हो गई। अगर लोड देते हो 11 वोल्ट पहुँच गया तो आपकी बैटरी ख़राब है। तो ये एक तरीका है निकालने का, जो कि बहुत ही सरल तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो, और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।